चल यार चल सवार चल दुनिया नहीं ये बबल चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार निकलते हैं इस बार की देखी जाएगी पर उस बार निकलते हैं यार बबल बनाए जलता जा कोई जाए जाए जलता जा चने ले लो चने जी आप रोने धोने से क्या फायदा नहीं मैं धो तो नहीं रही हूँ मैं तो सिर्फ रो रही हूँ ना वैसे माँ जी ये सब आपकी वजह से हुआ है ना आप उन चोरों को बोतल लाकर देती और ना उस बोतल में से जिन निकलता जो हमारा ये हाल करता और अगर वो जिन निकल ही आया था तो आपको क्या प्रॉब्लम थी उसके साथ कोकाफ जाने में प्रेशर में है यहाँ बैठ के मुझ पे इल्जाम लगा रही है बातें सुना रही है अपने बाप को फोन करके हमें यहाँ से आके ले जा कैसे फोन करूँ माँ जी पापा तो उस बेताब के साथ हनीमून पर गए हैं अपना नंबर तक नहीं देकर गए मुझे और उस घटिया आदमी को इस उम्र में उम्रे पे जाना चाहिए वो हनीमून पे चला गया ओ माँ जी हम कब तक इस धूप में बैठे रहेंगे मेरा रंग काला हो रहा है चुपा कहाँ रह गए महमूद साहब और नबील घर देखने गए थे अभी तक नहीं आए ओ भाई, ओ तूने इतनी दूर लेके आना था तो रिक्शा करा लेते यार किसी कुत्ते को हाथ दे के उसपे बैठ के आ जाते ओए थकन हो गई है अरे कोई नहीं भाईजान घर देखकर आपकी सारी थकन दूर हो जाएगी घर क्या किसी मालशिये का है ऐसा है क्या घर में अरे पूछे मत भाईजान पूरे शहर में ऐसा घर नहीं मिलेगा अच्छा और सस्ता 5,000 में समझे आपको महल मिल रहा है सब कुछ है उसमें कनीजे भी है नहीं नहीं उसके अलावा सब कुछ है सोफा है पर्दे है बेड है सब कुछ है बर्तन है और थोड़ा बहुत राशन भी है आपको कुछ लाने की जरूरत नहीं है ओ भाई हमारे पास सामान है कहाँ जो लाएंगे बस तो ये समझ लीजिए ये घर आप जैसे लोगों के लिए बना है और मालिक के मकान भी बाहर है कहाँ रहता है अमेरिका में वो खुद वो अमेरिका में रहता है और घर ऐसे इलाके में खरीदा हुआ है अरे घर नहीं है महल है महल चारों तरफ से हवादार और इतना बड़ा सहन और घर के पास है ना ट्रेन गुजरती है ट्रेन है? 2-4 बार तो पटरी तोड़कर ना घर में भी घुस चुकी है क्या घबराए नहीं ये पुरानी बात है अब ट्रेन नहीं चलती क्यों मोहल्ले वाले पटरियां निकाल के बेच चुके हैं अरे ये कौन सा मोहल्ला है तू कहाँ घर दिलवा रहा है हमें अरे दफा करे मोहल्ले को जब आप घर देखेंगे ना आपकी तबीयत खुश हो जाएगी वो जो हमारी खुश होगी वो तबीयत है हाँ जी चले जी ये रहा अरे ये महल है देखा दरवाजा देखकर आपको महल लगा अभी आप अंदर से देखेंगे आपकी आंखें खुल जाएंगी ओए घर दिखा पहले आंखें बंद करें क्यों आंखें बंद करेंगे तो आंखें खुलेंगी ना आइए चलिए चले ये देखें अंदर आने का दरवाजा और बाहर जाने का भी यही है और ये रहा अजीम महल अबे ये कौन से कंगले बादशाह का महल है कहीं अली इमरान का तो नहीं था अरे सदियों पहले ये बादशाह का महल था यहाँ पर अस्तबल था और यहाँ घोड़े बनते थे घोड़े कल तो यहाँ कुत्ते भी थे मैंने पत्थर मार के भगाया आइए मैं आपको अंदर से घर दिखाता हूँ आइए चलिए ये देखिए ये रहा सहन ये तखत एक कमरा ये रहा और एक कमरा उस तरफ है और वॉशरूम है ना इस तरफ एक वॉशरूम भी है सिर्फ एक वॉशरूम ओ भाई एक वॉशरूम से क्या होगा तो आपने क्या करना है भाई अरे इतने लोग हैं घर में सबने नहाना होगा हाँ तो एक वक्त में सबको साथ नहाने की क्या जरूरत है बारी बारी नहा ले और क्या बकवास कर रहे हैं अरे आप तो खुशकिस्मत है वरना इस मोहल्ले में बहुत कम घर है जिसमें वॉशरूम है अरे तो यहाँ लोग जो है वो एक दूसरे के घरों में जाते हैं नहाने अरे नहीं भाई गली कोने पर कॉमन वॉशरूम है वहाँ रोज लाइन लगती है और मजे की बात ये है कि कुंडी भी नहीं है नहाते वक्त ऊंची ऊंची आवाज में गाना पड़ता है बड़ा बड़ा सिंगर निकला इस मोहल्ले से नबील ये घर तो बहुत बुरा है कैसे रहेंगे यहाँ पे महमूद साहब रहना पड़ेगा मजबूरी है जब तक खूबसूरत के पापा हनीमून से वापस नहीं आ जाते उस वक्त तक रहना पड़ेगा हाँ जी घर पसंद आया आपको जी बहुत अच्छा एक काम करो अब तुम निकलो पहली तारीख को आके किराया ले लेना पहली तारीख को क्यों एडवांस में किराया होता है यार अभी हमारे पास पैसे नहीं है जब तुम लोगों के पास किराए के 5,000 नहीं है तो मेरे 50,000 कैसे दोगे तो तेरे 50,000 किस चीज के ओ भाई इस घर का कमीशन अरे 50,000 तो टोटल इस घर की कीमत होगी ओ भाई
इतना सस्ता घर ढूंढने के चक्कर में मैंने 25,000 का पेट्रोल फूंक दिया। अरे तू क्या पेट्रोल पी के घर ढूंढता रहा है? कोई मसला नहीं है, कुछ दिनों में हमारे पैसे आने दुबई से तो हम तुम्हें दे देंगे, क्यों मामू साहब? भाई मुझे बीच में मत डालो। आप लोग मुझे शरीफ लगते हैं इसलिए मोहलत दे रहा हूँ मैं आपको। मोहलत को छोड़, चाबी दे। किस चीज की? अबे इस घर के ताले की। दरवाजों में कुंडियां ठीक तरह नहीं लगी हुई, ताला किस बात का? चले यार, मैं वो सब माजी और खूबसूरत को लेके आए यार। आओ यार नबील। चलो मोमो, चलो जानू, घर मिल गया। हमारा घर कहीं खो गया था? अम्मा जी, हमारा तो सब कुछ खो गया यार, बड़ी मुश्किल से सर छुपाने की जगह मिली है। चले चल, उठ जा लोए, चल। ओह माँ जी, सोना? नहीं सोना नहीं है, इधर घर जाके सोना है। चलो जानू। नबील कैसा घर है? जानू बहुत अच्छा है, बादशाहों के जमाने का है। किसी बादशाह का अस्तबल था। वो क्या होता है? जहाँ घोड़े होते हैं माँ जी। मैं घोड़ों के साथ नहीं रह सकती। ओ माँ जी, आपने घोड़ों के साथ नहीं रहना, सिर्फ एक गधे के साथ रहना है। नबील, मैं मुँह साफ बस करे यार, चले यार। नबील फर्नीचर का क्या करेंगे यार? जानू मैंने तुम्हारे लिए फर्निश्ड घर लिया है। वो जो तुमने लिया है वो फर्निश्ड घर है? हाँ जी। अच्छा जी। चलो चलो श्री जाम्बो, चलो चलो श्री जाम्बो, ये उठाओ। हाँ जानू, कैसा लगा हमारा नया घर? नबील हम यहाँ रहेंगे? नहीं नहीं जानू, ये तो सहन है, हमारे कमरे उधर हैं, हम उधर रहेंगे। नबील मैं इतने छोटे घर में कैसे रहूंगी? ना तो तू ना यहाँ कौन सा मोटरसाइकिल चलानी है? माँ जी मैं आपसे बात नहीं कर रही। नबील ये घर बहुत गंदा है, मैं इसमें नहीं रह सकती। तो जानू इसको साफ करना तुम्हारा अव्वलीन फर्ज है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? आराम से बात करो खूबसूरत, अब ये घर तुम्हारे बाप के पैसों से नहीं चलता जो इतना चिल्ला रही हो। अभी तो पैसे हमने उसे तुमसे लेकर देने हैं। क्या? ओए रहना है तो चुप करके रह, नहीं तो जा अपने बाप के पास। कैसे जाऊं? पापा तो हनीमून पे गए हुए हैं। हाँ तो जानू फिर 8-10 एपिसोड यहीं रुकना पड़ेगा। नबील मेरा ख्याल है कि हम सबसे पहले घर की सफाई कर लेते हैं। और वो जो हम सबसे पहले इस घर की करेंगे वो सफाई होगी। हाँ जी। अच्छा जी, आओ जानू जी। हाँ जी। आओ 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 श्री जाम्बो, चलो 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 नया घर। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले, उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। और बबल फुलाए चलता जा, कोई आए जाए जलता जा। करे करे इशारे, दिल को बांध के रस्सी चलता जा रे चलता जा रे। चिकने चिकने चेहरे भैया, चुपड़ी चुपड़ी बात करे ये तुझसे सारे। कोई कितना लुभाए चलता जा, कोई आए जाए जलता जा। और बबल फुलाए चलता जा, कोई आए जाए जलता जा। यार महमूद साहब थक गए यार। अरे तुमने किया ही क्या है जो थक गए हो? भाई मैंने वो सूटकेस उठा के अंदर नहीं रखे थे। तुझसे ज्यादा मेहनत तो मेरे पीतल ने की है। अरे छोड़ो मोमो, किसके मुंह लग रही हो तुम? जाओ जाके गरम गरम एक कप चाय बनाओ, मेरे सर में दर्द हो रही है। हाँ माँ जी, अच्छी सी चाय हो जाए। नबील कम से कम कपड़े तो चेंज कर लो यार। वो कर लेंगे जानू, हमने कौन सा दावत पे जाना है, 2-3 दिन बाद नहा लेंगे यार। क्या? हाँ भाई, और वैसे भी सर्दियों में कौन रोज रोज नहाता है? हद होती है, मैं तो नहाने जा रही हूँ। जाओ मोमो नहाने। अरे नहीं, चाय बनाने। नहीं चाय कैसे बनाऊं, मेरे पास तो वो भी नहीं है। वो क्या? वो जो पतीली में डालते हैं ना। पानी? नहीं, वो जो पानी में डालते हैं। पानी में क्या डालते हैं नबील? मैं हूँ सब, पानी में तो बहुत कुछ डाला जाता है यार। कुछ लोग पानी में मछलियाँ डालते हैं, कुछ लोग हार डालते हैं, कुछ धमाल डालते हैं। जिससे चाय बनाते हैं। हाँ हाँ, चाय की पत्ती नहीं है ना। अरे मोमो, स्टेट एजेंट बता के गया है कि किचन में सब कुछ पड़ा है। अच्छा हाँ, जल्दी से जाओ ना, चाय बना कर लाओ। अच्छा जा रही।
नबील नबील इधर आओ। यार मैं सब देखे यार नबील नबील इधर आओ। क्या हुआ जानू क्या हुआ? नबील पानी। हाँ तो होती है काहली की जानू, तुमने पानी मांगने के लिए मुझे बुला लिया यार, खुद नहीं पी सकती थी। मुझे पानी नहीं पीना नबील। फिर क्या करना है? अरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा। अरे बाथरूम में पानी क्यों आएगा, बाहर कौन सा बारिश हो रही है? महमूद साहब नलकों में पानी नहीं आ रहा। ओ जानू कोई बात नहीं यार, पानी का प्रॉब्लम तो बड़े बड़े इलाकों में भी होता है। मैं पानी के बगैर कैसे रहूंगी यार? तुम कौन सा मछली हो जो पानी के बगैर नहीं रह सकती? गॉड अनायत अनायत। क्या हुआ मोमो? किचन में वो नहीं है। वो क्या? वो जिससे चाय बनती है ना। चाय की पत्ती? नहीं दूध। नहीं नहीं वो। अरे वो क्या मोमो? वो ना जिससे खाना वाना भी बनता है। चूल्हा? अरे क्या घर में चूल्हा नहीं है? अरे नबील स्टेट एजेंट तो कह रहा था कि घर में चूल्हा है। और चूल्हा है वो नहीं है। खुदा के वास्ते माँ जी अब बता भी दें कि क्या नहीं है, हम और नहीं गैस कर सकते। हाँ गैस, किचन में ना गैस नहीं है। हाँ जी चले मैं मुझे आए देखते हैं यार। नहीं आप भी जाना, हमने हमने भी जाना, आप इधर आके। अच्छा यार नबील, ये चूल्हा तो मुझे किसी बादशाह के जमाने का लगता है, कि ये मिट्टी के तेल से तो नहीं जलता? क्यों मिट्टी का तेल इससे ज्यादा अच्छा होता है? ओ यार महमूद साहब गैस तो ऑन करें, गैस क्यों नहीं ऑन हो रही? माँ जी आप बटन दबाएं। चूल्हे की? और किचन की। अच्छा पुत्र मुझे लगता है ये बटन खराब है। मुझे लगता है बल्ब फ्यूज हो गया है। नबील नबील अब क्या हुआ यार? नबील यहाँ लाइट भी नहीं आ रही। क्या नबील, ना पानी ना गैस ना बिजली, अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये अस्तबल ही था। मैं वो सब स्टेट जेंट ने हमें चूना लगाया यार। आए जबी तो इतना गोरा गोरा लग रहा है पुत्र। ओ माजी मैं कौन सा राणा रिजवान हूँ यार। ओ नबील अभी इसी वक्त उस स्टेट एजेंट को फोन करो यार। ओके जानू करता हूँ। आप लोगों को घर पसंद आ गया इसलिए इतनी जल्दी आपने ना पैसों का इंतजाम कर दिया है ना। अरे गोली मार घर को, कैसा घर दिला दिया तुमने, इधर तो कुछ भी नहीं है। क्या कुछ नहीं है, सहन है, कमरे हैं, सोफा है, ताकत है, क्या बच्चे की जान लोगे क्या? ये बच्चा है? पानी नहीं है यहाँ पे, गैस नहीं है और बिजली भी नहीं है। क्या? हाँ क्या बातें कर रहे हैं आप लोग, पानी तो चकाचक आता है रोजाना। अरे कब आता है? सुबह 4 से 5 तक। हा? भाई एक घंटे में जो कुछ करना कराना है कर ले, बर्तन धोए, कपड़े धोए, नहाए। ओ भाई सुबह 4 बजे उठ के हम कैसे नहाएंगे यार? वो भी क्या मैं ही बताऊंगा आपको। और गैस का मसला? गैस का कोई मसला नहीं है, रात 1 बजे लेकर सुबह 6 बजे तक आती, पूरे 5 घंटे। अरे ये कौन सा टाइम है गैस आने का? असल में पीछे CNG पंप है, जैसे ही पंप बंद होता है यहाँ गैस आना शुरू हो जाती है। नबील इस घर में सुई गैस की जगह CNG आती है। आइडिया महमूद साहब, क्यों ना हम अपने घर में CNG पंप खोल लें। ओ भाई यहाँ CNG नहीं आती, बल्कि वो पंप वाला CNG की जगह सुई गैस भर के बेचता है। अच्छा भाई अब तुम लोग की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना। बिजली कब आती है वो भी बता दीजिए। बस बिजली नहीं आती यहाँ। क्या? ओए बिजली के बगैर हमारा गुजारा कैसे होगा गुलजार? जैसे पूरे मोहल्ले गुजारा होता है, कुंडा डालो गुजारा करो। चले जी मैंने आपके सारे मसले हल कर दिए, अब निकाले मेरा कमीशन। और चल यार जा निकल यहाँ से, दे देंगे तुझे तेरा कमीशन चल। अच्छा और यार महमूद साहब आए, एक दोस्त को फोन करते हैं और उससे कुंडा लगाने का तरीका पूछते हैं। नबील और महमूद साहब को यही जगह मिली थी रहने के लिए, इतनी गंदगी है यहाँ पे, मैं तो बीमार हो जाऊंगी। और गल सुनो काब की बच्ची। नवाब की माँ जी। हाँ जी अगर तुझे इतनी तकलीफ है ना तो बोल अपने बाप को पैसे भेजे, हम कहीं और ही चले जाएंगे। मेरे पापा ने क्या ठेका ले रखा है, आपके बेटे की भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है माँ जी। और इतना छोटा बच्चा क्या कर सकता है? मैं सोना की नहीं नबील की बात कर रही हूँ, वो क्यों नहीं करता कुछ? ओए वो कुंडे लगाने गया तो है, अब क्या जान लेगी मेरे बच्चे की डैन। व्हाट माँ जी लाइट आ गई। वशे वशे। अच्छा भाई मैं तो चली राम करने ना, तू खाना पका के मुझे उठा दे। अच्छा क्या मोमो, गैस ना होने की वजह से तुमने खाना नहीं पकाया था ना? हाँ। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया। आए, इतनी सारी गैस लेकर आ गए? ये क्या उठा के लाए हो नबील? जानू गली में एक ठेले वाला है, उससे बिरयानी और हलीम लेके आए हैं, फैजी ठेले वाले से। ठेले से? हाँ 20 रुपए की एक प्लेट मिली है। ना प्लेट क्यों लेकर आ गए, प्लेटें तो बड़ी पड़ी हैं घर में। तुम छोड़ो यार बहुत भूख लगी है। चलो चलो जानू खाना खाते हैं। मुझे नहीं खानी है ठेले की सड़ी हुई बिरयानी नबील। अच्छा मत खाओ तुम्हारी मर्जी, ना शुक्रिया औरत, हम लोग खाते हैं। चलो 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 चलो।
भाई महमूद साहब फैजी बिरयानी वाला अच्छी बिरयानी बनाता है। भाई अरविंद भी बहुत आला है। माँ जी आप क्या कर रही हैं? पुत्र मैं तहे लगा रही हूँ ताकि जगह बने। चलो खाना है तो खा लो, अच्छा नियत मत लगाओ हमारे खाने को। ये बोटी कुछ ज्यादा ही सख्त लग रही है। ओ यार महमूद साहब 2-3 महीने पुराना गोश्त होगा यार, आप क्या सख्त भी रहो, जरा जोर लगा के बोटी तोड़े यार। नबीले तो बासी है यार। ओ जानू हम कौन से ताल। ओ ओ हो यार जानू। अरे मोमो मेरा तो पेट भर गया। मेरा भी यार महमूद साहब, मेरी तो तीसरी चौथी प्लेट है यार, मैंने बहुत ज्यादा खा लिया, अब थोड़ा थोड़ा ना मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। पुत्र पेट में तो मेरे भी दर्द हो रहे हैं। अरे मोमो खाना देर से खाया ना इसलिए हो रहा होगा, अभी थोड़ी देर आराम करते ना तो ठीक हो जाएगा। आओ आओ जानू आ जाओ, हम भी आराम कर दे यार। यार महमूद साहब आप अंदर क्या कर रहे हैं यार? बंटे खेल रहा हूँ। आपको यही जगह मिली थी बंटे खेलने की, इधर हमारा पेट खराब हुआ है, बाहर निकले। अरे मेरा भी पेट ही खराब है इसीलिए अंदर हूँ। और यार महमूद साहब आपको माँ जी की कसम है यार, और बाहर आ जाए वरना बहुत तबाही हो जाएगी यार। ओए पुत्र मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं तो पड़ोसियों के यहाँ जा रही हूँ। ओ यार महमूद साहब आपको अल्लाह का वास्ता बाहर आ जाए यार। अरे कैसे बाहर आऊँ, पानी नहीं है। ओ यार आपने तैर के आना है यार। अरे समझा करो नबील, कहीं से एक बाल्टी पानी लेकर आओ, मैं ऐसे बाहर नहीं आ सकता। ठीक है महमूद साहब मैं कोशिश करता हूँ, वरना मैं बड़ा सारा पत्थर लेके आता हूँ। जल्दी करो जल्दी करो। ओ भाई अभी ना रोके मुझे, अभी जाने दे प्लीज। सर इन लोगों ने भी कुंडा डाला हुआ है। अबे साले मोहल्ले में आते ही तिरान शुरू कर दी, चल थाने। ओ भाई मैंने यहाँ कुंडा नहीं डाला, मैं तो यहाँ पानी डालने आया हूँ, घर का मालिक जो है वो तो अंदर है। अगर वो पहले से अंदर है तो फिर हम किसे अंदर करेंगे? वॉशरूम में छिपा बैठा है, उसे पकड़े जाके। अभी पकड़ते हैं, चल चले चले। तू इधर ही खड़ा रहना, जाना नहीं। महमूद साहब दरवाजा खोले, ये ले पानी, और आपके मेहमान भी आए हैं। अरे मैंने तुझसे पानी मंगवाया था यार, तू मेहमान लेकर आ गया। अबे बाहर निकल। हैं आप कौन? पुलिस। अरे नबील ये क्या गंद किया है तुमने? और गंद तो आप कर रहे हैं महमूद साहब, बाहर निकले। नहीं मैं नहीं निकलूंगा। इंस्पेक्टर साहब ये आदमी आपसे छुपकर अंदर बैठा हुआ है, इसे बाहर निकाले। ओए दरवाजा खोल। अच्छा हाँ निकलता हूँ, एक मिनट खोल रहा हूँ खोल रहा हूँ। अबे बाहर निकलता है या दरवाजा तोड़ू मैं? आ गया। ये है आपका मुजरिम। अरे मैंने किया क्या है? अबे सारे बिजली चोरी करता है, कुंडा लगता है। अरे मैंने चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पास।